नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बास्केट बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक राउंड में कपड़ा कटिंग किया है। इसकी चौड़ाई इस तरह से 10.5 है और इस तरह से भी 10 है। तो हमने ये कैसे कटिंग किया, अगर आपको ये देखना है तो हम ऊपर आई बटन में डाल देंगे एक वीडियो कि हमने ये कैसे कटिंग किया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, अब हमने एक राइस बैग लिया है, उसको हमने राउंड में कटिंग कर लिया है और सेम हमने इसी के जैसा एक और फैब्रिक लिया है, हमने इसे भी कटिंग कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पहले नीचे राइस बैग लिया है और उसके ऊपर में हमने ये दोनों राउंड वाला कपड़ा ले लिया है। अब हम इसको सिलाई लगा देंगे, इतना सिलाई छोड़ देंगे, हम किसी भी साइड से सिलाई लगाएंगे और इतना छोड़ देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इतना छोड़ दिया है। अब हम यहीं से जो है कि इसे सीधा करेंगे इस तरह से। अब देखिए, हमने इसे पलट के जो है कि सीधा कर लिया है। अब हम ये जो खुला हुआ साइड है, इसे हम ऐसे अंदर के साइड मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ते हुए ही हम इसको भी पैक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इंची टेप को देखिए इस तरह से रख दिए हैं और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, लगभग 31.5 इंच आ रहा है। तो हम 31.5 इंच का जो है कि एक स्ट्रिप कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जितना हमारा ये राउंड में लंबाई आया था उतना लंबाई लिया है और इसकी चौड़ाई हमने दी है इस तरह से 9 इंच है। अब हम देखिए, नीचे जो है कि कपड़ा रखेंगे, फिर ऊपर में ये हमारा प्लास्टिक राइस बैग है, फिर इसके ऊपर में हम ये कपड़ा रखेंगे और इसको जो है कि इस साइड से सिलाई कर देंगे। हम तीनों साइड से करेंगे, ये वाला ऐसा वाला जो दूसरा साइड है हमारा इस साइड में, उसे हम मतलब जो है कि छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड में हमारा 31.5 इंच आया था और हम ऐसे में इसका जो है कि लंबाई 31.5 है और इस तरह से हम 9 इंच लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कपड़े को इस तरह से डबल में लिया है, नीचे में ये हमारा रहेगा प्लास्टिक और इसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इस साइड से, तीनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे, एक साइड हमारा छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सिलाई लगा दिया। अब हम यहाँ से इसे हाथ डाल दिए अंदर के साइड में और यहाँ से सीधा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सीधा कर लिया है पलट के। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक सेम टू सेम जैसा हमने इसे सिलाई किया था उसी तरह हमने इसे भी सिलाई कर लिया है। इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है लगभग 40 इंच अंदाज से लिया है हमने। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद हम यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने निशान लगा दिया है, यहाँ से हमें इस तरह से जो है कि मोड़ना है। उसके बाद हम फिर इसे इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे पिन अप कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे पिन अप कर दिया है, यहाँ पे भी पिन अप कर दिया है। तो ये हमारा इस तरह से जो है कि पॉकेट बनेगा बास्केट में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा के कर दिया है पिनअप। फिर हम यहाँ पे 4.5 इंच पे, देखिए यहाँ पे हमने निशान लगाया है, इसी निशान पे से हमने जो है कि पिनअप कर दिया है। इसी तरह से हमें, जैसे हमने ये बनाया है, फिर हमें इस तरह से मोड़ते जाना है और यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाना है, फिर यहाँ पे हमें पिनअप करना है, ऐसे यहाँ पे हमें पिनअप करना है, फिर इसी तरह से हमें, जैसे हमने ये दो पॉकेट बनाया है, इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कि पूरा पॉकेट बना दिया है। अब हम जो ये पॉकेट बनाए थे इस तरह से मोड़ मोड़ के, इन दोनों के बीच में जो है कि सभी पॉकेट में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से एक एक पॉकेट अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पॉकेट को सिल दिया है। अब हमने जो ये राउंड वाला बनाया था, इसमें हम इसे देखिए इस तरह से अटैच करते जाएंगे, इसमें हम पूरे राउंड में जो है कि सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो है कि इसे पूरी तरह से अटैच कर दिया है, इसे इस तरह से सीधा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक पट्टी लिया है, इसका हम हैंगर बनाएंगे। ये 5 इंच इसका चौड़ाई है, इसका लंबाई जो है कि इस तरह से 26 इंच है। तो हमने इसको डबल में लिया है तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे पहले ऐसे मोड़ेंगे, उसके बाद हम ऐसे मोड़ेंगे और इसे हम ऐसे बना के इस पर सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जो है कि डोरी लगा दिया ये टांगने वाला हैंगर। तो हमारा बास्केट जो है कि बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बास्केट का जो है कि फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को यह बास्केट वाला वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारा बास्केट जो है कि कैसा बना है। तो हम इसमें जो है कि कोई भी सामान इसमें रख सकते हैं, कोई भी छोटा छोटा चीज होता है उसे हम रख सकते हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।